कट 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 कट। एक और रीटेक। क्या है ना, शो के टीआरपीस को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ा सा बिना कपड़ों के, मतलब कपड़े थोड़े से पहन लीजिए, जैकेट वैकेट पूरा उतार। सलमान थोड़ा स्माइल के साथ बोलना यार। हाँ। स्पॉन्सर का नाम थोड़ा जोर से ले, अगले सीजन में ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, थोड़ा अच्छे से। हाँ। थोड़ा वापस। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। और जहां पर कपड़ों की बात है उतारूंगा, लेकिन घर जाके। वैसे शिल्पा, आई वांट टू टेल यू, हम यहाँ जजेस बन के नहीं आए। क्या बन के आए? हम यहाँ कंटेस्टेंट्स बन के आए। ओ हाँ, जी हाँ। तो एक काम करो, फिर आ जाओ जल्दी। अच्छा हाँ, शो मेरा है, सेट मेरा है, ऑडियंस मेरी है। आ रहे हैं, आ जाओ। आ रहे हैं, थोड़े से पैसे कमा लो। प्लीज वेलकम फारा खान और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। सपनों में रोज आ जिंदगी में आना सनम। मुझे तो ऐसा आग नहीं मिला यार। इधर से वायर हो गया। फिर बंद नहीं करते। तो आप लोगों ने हमेशा जज किया है लोगों को, कैसा लग रहा आके यहाँ पर आज कंटेस्टेंट बनके? डर लग रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है क्योंकि हम दोनों बहुत कंपेटिटिव हैं। हाँ। और हम दोनों चाहते हैं कि हम अपने अपनी चैरिटीज के लिए पैसे कमाएं। कौन सी चैरिटी के लिए? मेरे जय वकील स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। और आपका है? एंड आई हैव माय ओन चैरिटी, इट्स कॉल्ड द शिल्पा शेट्टी फाउंडेशन। और पिछले 8 सालों से वी हैव बीन फंडिंग a small school in Belgaon where they house around kuch 50 se 60 children that are suffering with HIV. Mm-hmm. To ye do pratiyogi jo aapas mein aaj bhidenge wo hai Farah Khan versus Shilpa Shetty Kundra. दस कदम में पहले खेलेंगे एक अनोखा नॉकआउट राउंड, जिसमें होंगे 7 सवाल। जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान सही होंगे वो हो जाएंगी लाइट इयर्स अहेड और खेलेंगे मेरे साथ सुपर सवाल। सो लेट्स प्ले 10 का दम। चलो, तो आपका पहला सवाल है ये कि ओ गॉड, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी किसी फिल्म का कोई रोमांटिक सीन अपने जीवन साथी के साथ दोहराया है? What percent of married Indians have at least once enacted a romantic scene from a film with their life partner? मेरे साथ तो जरूर हुआ है, रोज होता है। कौन सा सीन? बहुत सारे। धड़कन का सीन? I didn't mean it that way. गिर जाओगी, गिर जाओगी। तो मुझे क्या राज वो सुनील शेट्टी का लाइन बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा, और क्या है, तुम मुझे पकड़ लो ये मैं बर्दाश्त नहीं। व्हाट इज द लाइन? एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तेरा लाइन है ये? हाँ। ये लाइन ये इतनी बार बोला है, कमिटमेंट एक बार भी नहीं किया इसने। ये हाँ, exactly. इसलिए तो कमिटमेंट करता नहीं हूँ ना मैं। इस जन्म में ये खुशी आप पाएंगे? अरे मैं क्यों इनेक्ट करूं? हाँ, इनके सीन्स लोग इनेक्ट करते हैं, स्पेशली वो तेरे नाम वाला, देखिए बैंगिंग द हेड आफ्टर दे गेट मैरिड। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है क्या, किसी दूसरों का सीन आप और अपने पति इनेक्ट करते हो घर पे? नहीं, वो ज्यादातर करते हैं। He's quite filmy. Raj is very filmy. Raj is very filmy. मैं हमेशा कहती थी कि he really is like the character from दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अमरीश पुरी। So mean. Faru, you're so mean.
क्या वो कबूतर? बहुत फिल्मी है, मतलब गाने गाता है और बहुत बुरा गाता है. मैं बोलती हूँ उनको प्लीज मत गाइए. तो मतलब उसने किया इनएक्ट? जी जी बिल्कुल. और मुझे लगता है बहुत लोग इंडिया में फिल्मी हैं, हाँ, और ये करते होंगे अपने घरों के साथ. क्यों नहीं किया है ना, हम करते हैं. लॉरेल एंड हार्डी, टॉम एंड जेरी. अभी देखो हेयर कट भी एकदम शिरीष की तरह एकदम. पंद्रह सेकंड है आप दोनों के पास. रेडी? ओनली मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो. तो 78% एंड 55% आए. देखें कि कितने ऐसे मैरिड इंडियंस हैं जो के रोमांटिक सीन्स फिल्मों के इनैक्ट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ. कमान रोलू दुगोलू. आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा कर दिया है. नीचे. अरे 56%. इतने करीब. क्या? इतने करीब. It's like almost she knew the answer. No, no, I didn't know. I just guessed. और ये देखो उन्होंने 78% पे लगाया है. जिन्होंने आज तक एक सीन ऐसा इनएक्ट नहीं किया है. Congratulations to me. लेकिन मुझे पूछना है कि कितने प्रतिशत ऑडियंस मेंबर्स ने सलमान खान का कोई रोमांटिक सीन इनएक्ट किया है कि नहीं? किसने किया है? नहीं किया. क्यों नहीं किया भाई? शिल्पा ने किया है. शिल्पा कौन सा सीन किया है तुमने? देवी माँ कभी माफ नहीं करेंगी. जब मैं कॉलेज में थी और जो मैंने प्यार किया का भूत था ना. तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ. So who was pinning you back to the? Nobody was pinning me. I was in a phone call. Oh. बोलो ना. Something like that had happened. I don't remember very vaguely, but मुझे याद है कि मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी. Yeah, of course. वो फ्रेंड कैप के लिए मैंने बहुत सारा जो अपना पॉकेट मनी था. सलमान के स्क्रीन टेस्ट पे मैं गई थी उसके साथ. अरे यार ये बाय द वे आई वांट टू टेल यू इट्स अ फैक्ट के सलमान का जब स्क्रीन टेस्ट हुआ था सूरज भर जाते वाज टेकिंग एंड सलमान टुक मी विद हिम कि मेरे को डांस में हेल्प कर देना जरा. आई वाज नॉट अ कोरियोग्राफर देन एंड ऑफ कोर्स ही वाज नॉट द स्टार ही इज. और जब मैंने इनका डांस देखा, वो तो हमेशा से था. मैं जब मैंने इनका डांस कुछ नहीं था इसे. बट जब मैंने इनका डांस देखा वहां पर, आई स्वेयर आई हैव रन अवे फ्रॉम दैट स्क्रीन टेस्ट. आई हैव लेफ्ट हिम एंड आई हैव रन अवे. इसमें मेरे से नहीं होगा. सूरज डोंट कास्ट हिम. नो आई नेवर सेड डोंट कास्ट हिम. आई डिडंट से दैट बट इन माय माइंड आई वाज श्योर दैट ही इज नॉट गोइंग टू बी कास्ट. कितने अच्छे दोस्त थे सलमान आप हो और शिल्पा है, तो एक रोमांटिक सीन तो बनता है ना? हाँ बहुत कर चुके हैं. कुछ अलग करते ना थोड़ा सा. मैं शादीशुदा औरतों के साथ रोमांस नहीं करता. यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं. हाँ सलमान हीरो है और फारा जी जो है वो हीरो है. वाह. और मैं डायरेक्टर बन जाती. वाह ये जो माँ बेटे का कॉमेडी सीन. एक्टिंग तब छोड़ेगा जब पकड़ेगा. पकड़ी कब थी तूने? हाँ चलिए चलिए कौन सा सीन करेंगे. चल चल अभी आज तेरे एक्टिंग का इंतहान है. चलो कुछ हम आपके हैं कौन का कुछ अच्छा करते हैं. अरे हाँ चलो. Yeah? Madhuri okay. Dixit. Oh, that too, imagine. Yeah, yeah, pout. Uh-huh. Salman likes the pout. Ready hai aap? Haan. Action! Hello, kahan chali ja rahi hain aap? Is tarah chup chup ke ladkiyon ko dekhna? अच्छा लगता है क्या? अगर आपका डांस ही देखा तो फिर क्या देखा?
आज से हम आपके डांसिंग के भी फैन हो गए हैं। हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? आजकल आपकी कोई बात हमको बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ही क्यों? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं। खत्म हो गया सीन, खत्म। कट इट। मुझे याद है कि आप उस पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, दीदी तेरा देवर दीवाना यू वर शूटिंग, और मैं ऑपोजिट सेट पे थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ी तू अनाड़ी, कोई एक बेड का सीन चल रहा था। हाँ, आप और अक्की थे वहाँ पर। हाँ, हाँ, नहीं याद है, शक्ति कपूर जी थे। हाँ, नहीं वो बेड का सीन चल रहा था। शक्ति कपूर। हाँ, हम लोग कोई एक्शन शूट कर रहे थे और मैं शॉट देने के लिए तैयार थी और सडनली सलमान आ गए थे डायरेक्टर साहब से मिलने, और वो चौकड़ी मार के बैठ गए। कौन? शक्ति? नहीं, सलमान। तो सीन चल रहा था हमारा और मेरी गिग्गी बन गई थी, बिकॉज आई वाज लाइक सलमान खान आए हैं सेट पे, तो भगवान ने मेरी सुन ली, निकल नहीं रहा से, भगवान ने मेरी सुन ली, शक्ति कपूर थे बेड पे, अब सलमान खान आ गए। तो हाँ, yeah, that's when we first met. आपका अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों के किसी दोस्त या रिश्तेदार को बात करते हुए थूक की बारिश करने की आदत है? आपके पिक्चर में धरा हुआ कैरेक्टर। What percent of Indians have a friend or relative who has a habit of spitting while talking? मैं उना देखी है ना? मैं उसमें सतीशा है तो we had found ways, तो छतरी लेके कोई खड़े है, हेलमेट पहन के, वाइपर चश्मे पे। हाँ, सलमान and I have worked with an actor. I think there's one very old veteran actor. हाँ, तो जब वो डायलॉग्स बोलते थे तो इतना थूकते थे जो होती है शॉट के बाद, सलमान ये करता था। चलो, हाँ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। But there was another actor that she was working with. She quite liked the actor. जब यू थूकता तो या she कौन था ये एक्टर? मेरे को बाद में बोलना। No such thing. ऐसे तो नहीं किया ना तुमने? तो आप लोगों के पास है 15 सेकेंड और मार्क्स गेट सेट रेडी गो। Oh God. We're pretty much very close. हाँ. Yeah, आपने लगाया, शिल्पा ने लगाया 40% पर, और फारन लगाया 36% पर। आए देखें ऐसे कितने रिश्तेदार या दोस्त हैं जो बात करते वक्त थूकते हैं। अरे जा 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 अरे जा नीचे 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 ऑन। तो अफारा, एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ। कि हमने काम करना शुरू कर दिया था, तो फिर एक दिन वी डिसाइड टू गो फॉर डिनर। वो तो फिर हाँ। हाँ। तो ये चेंबूर में रहती थी उस वक्त, तो मैं गया वहाँ पे चेंबूर में, यू नो, घर से लेने के लिए। तो मैं नीचे पाक के चार माले पे शायद रहती थी, ये तीसरे माले पे रहती थी। हाइट के वजह से लगता था चार माले पे। तो गाड़ी नीचे पार्क थी, तो ये नीचे आई, तो मैंने ऊपर देख रहा था कि आई आ कि नहीं। मैंने देखा कि एक आदमी यूं बनियान के अंदर 6'2" लुंगी पहने तो यूं खड़ा है बस। वो बोला कि ये कौन है? So I'm looking up on him. This is my father. Father को देखा मैं थोड़ा डर गया। तो I said, "Hello sir, how are you?" He says, I'm fine. और फुल थशन लुक। तो आई से, यार ये क्या चक्कर है? हाँ, यू ब्रिंग अ बैग बाय 12? तो ऐसे 11:30 बजे।
आई लुक्ड एट हिम, तो उनके हाथ में ग्लास था. हाँ तो सर या तो लुक्ड, अभी आधे घंटा है मेरे पास. आई सेड कम अप. तो आई वेंट अप, मैं ऊपर आया तो बात करना शुरू किया हमने. तो बड़ा मजा आ रहा था हमको. तो ये 15 मिनट बैठी जाके सो गई. मैं वहां से 5:30 बजे निकला हूँ घर से. हम उस दिन से ऐसे, he was like a friend, he was like an older brother to me. Well, dad yeah. was my dad. Very sweet. A great man. डैडी और सलमान की ऐसी बनती थी कि कुछ भी बोल सकते थे वो सलमान को, और सलमान भी कुछ भी अच्छा, बोल सकते हर थे. आउटडोर मैं उनको इनवाइट करता था, जहाँ 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 हम लोग गए ऐसे डैड को बुला. तो ही वाज देयर इन लंदन, ही वाज देयर एवरीथिंग, एंड वेरी सैड दैट ही इज नो मोर विद अस, बट वी स्टिल रिमेंबर हिम. अन्ना वो रिश्ता कोई नहीं समझ सकता. तो सलमान का और हमारा रिश्ता ऐसा था कि आई थिंक डैड की वजह से जुड़ा था. एंड नो मम आल्सो, हाँ मम मम के साथ भी उनका एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है. और एंड द सेम गोज विथ हिज पेरेंट्स. तो सलीम अंकल, सलमान आंटी और हेलेन आंटी, दे आर रियली ब्यूटिफुल पीपल. और आई थिंक हमारा जो रिश्ता है वो हम इतने क्लोज इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्लोज हैं. और आई थिंक हम सालों तक कभी कभी बात नहीं करते, महीने बात नहीं होती हमारी, लेकिन हम जहाँ से छोड़ते हैं ना वहीं से हम यू नो वी पिक इट अप फ्रॉम देयर. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप. दैट्स ट्रू. बचपन और वो शायद एक दिन के लिए. My father was a better actor than your mother. I agree with you. आपका तीसरा प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय अंग्रेजी बोलने वालों से इम्प्रेस होते हैं? What percent of Indians are impressed by people who speak English? बाकियों का तो पता नहीं, बट एक तो यहाँ है. एक 100% इंडियन यहाँ है. हिंदी बोलने वाली लड़कियां इनको पसंद ही नहीं है. मतलब ही लाइक्स के हिंदी नहीं बोले और फिर वो एक्सेंट में बात कर रहे. कौन सा एक्सेंट? कौन है दिस एक्सेंट? जैसे अंग्रेजी एक्सेंट के साथ सुने हाँ फिसल गए. बट व्हाई डू यू लाइक पीपल हु कांट स्पीक हिंदी? कौन सा, कौन है भाई? हाँ ऐसा कौन नाम है? दे नाम? कोई नहीं है. नहीं है कि कुछ एमनेसिया हो गया है. अरे कटरीना हिंदी बोलती है. अभी बोलती है ना, तूने सिखाई है ना हिंदी. हाँ तो फिर अच्छा है ना सिखाई. हाँ क्योंकि मुझे उससे हिंदी बात करना अच्छा लगता था. और अभी अभी थोड़ा सा सीरियस मामला है, वो अभी तक चल ही रहा है. बोलू नहीं बोलू, बोलू नहीं बोलू, बोलू नहीं बोलू. बोल दे, अभी अंग्रेजी थोड़ी खराब है. शिल्पा, आई एम गोइंग टू सी क्लिफ हैंगर विद सलमान इन अमेरिका. आई स्वेयर वो नॉर्मल गया था और जैसे वो क्लिफ हैंगर देख के बाहर आया, ही स्टार्टेड टॉकिंग लाइक सिल्वेस्टर स्टैलोन. और तब से अब तक ही टॉकिंग लाइक सिल्वेस्टर स्टैलोन. अरे मिमिक नहीं कर रहा था यार मैं. ऐसे ऐसे दो तीन लाइन बोल दीजिए. कम बख्त इश्क.
It's better that two people fight than 20 million people. कर लेता हूँ. अच्छा तो खेलिए. हाँ हाँ हाँ. चलिए आप संजू क्यों बन गए? ऐसे. He also talks like Sylvester. That's why. चलें आगे बढ़े. The award percent of Indians are impressed by people who speak in English. 15 सेकेंड है आपके पास और आपका समय शुरू होता है अब. Onimax, get set, ready, go. So Shilpa Shetty लगाया 50% पर और Farah Khan ने लगाया 73% पर. Rolu the Golu. चालू करो. जाओ 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 जाओ. गई मैं. आएगा suddenly नीचे. और शिल्पा लगा 50 पर. फारा मैं तुम्हें खजूर पे लेके जाना चाहता हूँ. क्या खजूर पे लेके मैं तुम्हें खजूर पे लेके जाना चाह रहा हूँ. बट मुझे क्यों लेके जा रहा है जब ये है उसको ले जा खजूर पे. मैं शादी शुदा हूँ तो मैं क्या मैं 3 बच्चों की माँ हूँ. और देखो पावर देखो पावर देखो. एक डिलीवरी में एक बच्चा एक डिलीवरी में 3 बच्चे देखा. 3 का दम. तो बेसिकली सेइंग ही वांट्स टू टेक अस ऑन अ डेट. ओ अच्छा खजूर. हाउ नाइस हाउ इंटरेस्टिंग. लेकिन उससे पहले आपके इधर 2 सीटियां हैं उसे उठा लीजिए प्लीज. ओके तो मैं मेकिंग श्योर. पता नहीं किसने इसको बजाया होगा इससे पहले. नहीं और कहां से. तो मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस कहूंगा इंग्लिश में. Okay. तो दरअसल है हिंदी मुहावरे. आपको उन्हें सही सही हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है. ओ गॉड ये आप ही जीतेंगे. जिसके पास जवाब होगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे. वो सीटी बजाकर सिंपल सीटी बजाकर वो ट्रांसलेट करेंगे. पर पैसे कितने मिलेंगे? तो इसमें पैसे नहीं. इसमें एंटरटेनमेंट है हमारे दर्शकों के लिए. पहला सेंटेंस ये है. हाई शॉप्स शुगर फ्री स्वीट्स. क्या ऊंची दुकान फीके पकवान. वेरी गुड वेरी गुड. ग्रेप्स इन बबूम्स हैंड्स. चलो आ जा. चलो बोलने दो. चलो बोल. चलो चल चलो. ग्रेप्स इन बबूम्स हैंड्स. हाँ चलो. लंगूर के हाथ में अंगूर. वाह. वन सेकेंड What? Grapes in baboon's hands. Angur, langur ke haath mein. Nahin, you said it wrong. Langur ke haath mein angur. Langur ke haath mein angur hi hai. Okay. Black alphabet equal to buffalo. Maine pehle. Oh yeah. Kale akshar bhains barabar. काला अक्षर भैंस बराबर. मैं बोलूंगी नेक्स्ट वाला. रिजर्व करके रखा है. ये क्या चल रहा है यार. हाउसेस हैंड इज इक्वल टू लेंटल. यार मुझे दाल बराबर. यार वो तो मेरे साथ हो रहा है कितने सालों से. ये तो मुझे भी पता था. लिविंग इन वाटर एंड स्टिल मेसिंग विद क्रोकोडाइल. ये आपको पता होगा. समंदर में मगरमच्छ से बैर. पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर. मुझे ऐसे मुहावरों की जरूरत ही नहीं पड़ी. फारा 3 शिल्पा 2 कम बुल हिट मी. आप बैर मुझे मार. यार ये चीटिंग है. तो तू विसल का ब्लो करेगी. आप बैर मुझे मार.
बोल दिया मैंने, खराब हो जाएगी। तो वो ऐसे ऐसे दिखा रही है खाली सीटी। यार मुझे कभी सीटी मारने की जरूरत नहीं पड़ी है। अरे फॉलन फ्रॉम स्काई स्टक इन अ डेट। अरे आसमान से गिरे खजूर में अटके, कुछ ऐसा था। वेरी गुड वेरी गुड। आप दोनों ये मुहावरे वाली राउंड इतने अच्छी तरीके से खेले हैं, योर न्यू सब मुहावरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पारा। थैंक यू। माय गॉड, कुछ पैसे तो मिले नहीं लेकिन। अच्छा यू नो शिल्पा जी, एक यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी फैन है जो कहती है कि आपके जैसे ही डांस करती है वो। ओहो, ओह माय गॉड। कौन है ये? वो वाला डांस। कौन सा, ये कौन सा डांस है? शिल्पा, no matter how good dancer she is, when she's dancing alone, okay, nightclub वगैरह। ये क्या डांस है शिल्पा? कुछ भी। नॉकनी डांस। ऐसे डांस करती हूँ मैं। Yeah. I have never gone to a nightclub with you. You're obviously going with him to nightclubs. नहीं, nightclub party वाटी में जहाँ पे भी on her own. एक बार नाचती हूँ मैं। हाँ। तो मैं गया, मैं गया। ये क्या? कौन है ये फैन? फैन? कौन है रकई? ये राखी सावंत तो नहीं? ये कहाँ ये फैन? आइए स्टेज पर आइए, कहाँ हैं आप? हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना है। और शिल्पा मैम, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। ओहो, ओहो, मुझे आपसे भी कुछ कहना है। अरे वाह। मैं एक मुंबई बेस्ड बेली डांसर हूँ। हाँ। और आपका काम मुझे इतना इंस्पायर करता है। आपने शकीरा को कोरियोग्राफ किया है, तो मुझे आपको मेरे कुछ बेली डांस मूव्स आज दिखाने का बहुत। अरे फिर दिखा, जरूर दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का गहरा है माशाल्लाह, तुझको चुराया है पाया है ये जहां। आप मेरे जैसे नहीं नाचती, आप मेरे से बेहतर नाचती। इंजन फिजन सब ठीक है ना? हार्ट वार्ट लिवर इवर सब एक जगह पे सब मिक्स हो गए।
इसके तो ठीक है, इनके पूछो। सेक्सी। तो आपका चौथा प्रश्न ये है, कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं सब्जी खरीदते वक्त धनिया और मिर्च मुफ्त में लेना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती हैं? मैं नहीं। What percent of Indians believe that while buying vegetables, it's their birthright to get free dhania and mirchi? Yeah, मैं मानती हूँ। But तू कहाँ जाती थी भाजी लाने को? अरे मैं जाती थी मम्मी के साथ, मेड के साथ। But मैं जब जाती हूँ तो मैं धनिया और मिर्ची के पूरे पैसे देती हूँ और बाकी भाजी फ्री में मांगती हूँ। मैं धनिया मिर्ची अदरक अदरक भी कड़ी पत्ता भी मांगती थी। पंद्रह सेकंड है आप दोनों के पास। रेडी ओनली मार्क्स गेट सेट रेडी गो। शिल्पा शेट्टी लगाया 65% पर और फारुख खान लगाया 85% पर। आए देखें कितनी ऐसी महिलाएं हैं हमारे हिंदुस्तान में जो के बर्थराइट समझती है धनिया और मिर्ची को। कम ऑन रोलू द गोलू। ऊपर करना था ना? अरे यार कितना झूठ बोलते हैं इंडियंस। 44% और शिल्पा शेट्टी जीत चुकी है। मैं I'm walking out। Bye Tata everybody, see you all। और फारुख। See you, bye। ये क्या है? ये सारी औरतें झूठ बोल रही हैं। सबको फ्री का लहसुन और फ्री की मिर्ची चाहिए। मैं अग्री करती हूँ। फारुख खान अभी तक जीत चुकी है 20,000 रुपए। वो मुझे मिलने वाले नहीं है। नहीं मिलते। 20,000 मिलेंगे। चल आज का कन्विंस हो गया। अब अगला सवाल शायद डिसाइडर सवाल हो सकता है। अगर शिल्पा शेट्टी ने ये सवाल कभी सही जवाब दिया तो खेलेंगी मेरे साथ वो सुपर सवाल। तो आपका पांचवा सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि घर में कोई स्वादिष्ट डिश बनने पर उनकी माँ उनके लिए बचाकर जरूर रखती है। So sweet। इनकी माँ जरूर रखती है। 1% of Indians have said that every time a special dish is cooked at home, their mother saves it for them। आप दोनों माएं हैं। हाँ। आप लोग अपने अपने बच्चों के लिए बचा के रखती हैं? बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे पास पैसे हैं तो हम ज्यादा खाना बना सकते हैं। पहले हम गरीब थे तो हम थोड़ा थोड़ा बचा सकते थे। सीरियसली यार, जब हम लोग के पास पैसे नहीं थे लिटरली पाव किलो गोश्त आता था घर में और एक एक पीस संडे को मिलता था और इधर देख लिया तो साजिद मेरा पीस मुंह में डाल देता। आई कुडंट लुक देयर। वो पीस अभी भी उसके पेट में है। अभी बहुत पीसेस है। फिश एग्स, जो मच्छी के अंडे होते थे ना, बहुत ही चांस से मिलते हैं तो जब भी मिलता था वो हमेशा मेरे लिए फ्राई करके मसाला वसाला लगा के फ्राई करके बचा के रखती थी मम्मी। और जब चिकन बनता था तो जो कलेजी एंड यू नो दोस पार्ट्स, तो वो भी फ्राई होके हाँ थोड़ा सा मेरे लिए रखते थे। तो जब हम सारे कजिन्स मिलते थे तो बहुत कलेश होता था हम लोगों के बीच में कि सबसे बेस्ट पीसेस हमेशा शिल्पा को मिलते थे। देयर वाज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ पार्शियलिटी। सबसे बेस्ट पीस तो ये थी। हाँ, फैमिली में तो बेस्ट पीस तो मिल रही था। एनीवे, तो आप दोनों के पास है 15 सेकंड। वक्त शुरू होता है अब। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो।
तो शिल्पा जी ने लगाया 78% पर और फारुख खान ने लगाया 73% पर। आए देखें कि कितने ऐसे स्पेशल डिश माएं अपने बच्चों के लिए सेव करके रखती है एट होम। कम ऑन रोल द गोलू। आई गिव अप। माँ तो माँ होती है। 91% हाँ, ये माँ नहीं है, ये बाप है। तो दुनिया के हर बच्चों को लगता है कि उनकी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। हमारे साथ भी आज दो मम्मीज हैं जो कि सुपर विमेन की तरह फुल टाइम काम करती हैं, और एक फुल टाइम जॉब है मम्मी बनना और दूसरा अपना करियर संभालना। तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों में से हमारी मम्मी चैंपियनशिप, हे भगवान, कौन जीतता है। ये अगर मैं नहीं जीती ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं आज। बहुत ही वायलेंट मम्मी है यार। बाजी आप दोनों को दो ट्रायंगल वाले सैंडविच बनाने हैं और लंच बॉक्स पैक करना है। यहाँ पे रखी जो कॉपीज हैं उन पे कवर चढ़ाना है और लेबल लगाना है। ओ गॉड। फिर उन नोटबुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स को स्कूल बैग में रखना है। स्कूल बैग पैक करना है बेसिकली आपको। ओके। जिसने ये पहले किया वो ये गेम जीत जाएंगी। इसमें पैसा मिलता है और बनेगी चैंपियन मम्मी। Ready? ये लेकिन एक मिनट, इनको ज्यादा प्रैक्टिस भी है और उनको वो तेरा एक ही बच्चा है, जल्दी कर, मेरे को तीन तीन बच्चों का करना है। एग्जैक्टली, मेरा तो सिर्फ एक ही बच्चा है। On your marks, get set, ready, go. काम दो सैंडविचेस के एक सैंडविच, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तो मैंने दो क्यों बनाए। दिस लेबल्स आर डैम इरिटेटिंग, स्ट्रेस। वो स्टिकर कहाँ गया? लेकिन मैं किसी भी चीज को आधा नहीं छोड़ सकती। मैं ठहर जा, एक और सैंडविच बनाती हूँ। जो पैसों वाला ताश नहीं है वो मैं क्यों जीत रही हूँ? फारा, चल मेरे बच्चे के लिए भी बना। यू नो दैट आई डू फॉर 15-15 बुक्स फॉर पर चाइल्ड। व्हाट? या मैं खुद 15-15 बुक, मतलब 45 बुक्स आई सेट एंड कवर एवरी ईयर। हो गया मेरा भी। मेरा बच्चा आज लेट जाएगा थोड़ा सा स्कूल, लेकिन जाएगा जरूर। बहुत स्ट्रेस था यार ये। बच्चा सो गया। हाँ? बच्चा सो गया है। तूने ब्रेड पे मस्का नहीं लगाया, पूरा मस्का लगाया। बहुत मस्का लगाया। झूठी। फारा बनती है चैंपियन मम्मी। तो आपका छठा सवाल यह है कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं को कभी किसी खास मौके के ठीक पहले पिंपल हुआ है?
What percent of Indian women have at least once had a pimple break out right before an important event? Uska best solution ye hai. हाँ actually है. नहीं but actually है वो सच कह रहे हैं. Toothpaste लगाओ toothpaste. नहीं नहीं सुबह सुबह बिना brush के. सुबह सुबह anytime. हाँ. ये रोज brush नहीं करता है इसको तुम्हें क्या चाहो. Anytime. Anytime. मैडम दिन में 3 बार. Oh. Yes. Oh. So आपको मिलते हैं 15 सेकंड. Onimax get set ready go. शिल्पा शेट्टी ने लगाया 71% पर और फारा खान ने लगाया 42% पर. आए देखें कि कितने ऐसी महिलाएं जिन बिचारियों को एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले पिंपल होता है. अब यह है आपका 7वां सवाल. कितने प्रतिशत भारतीयों के बचपन के पेरेंट टीचर मीटिंग में उनकी शिकायत उनके टीचर से ज्यादा उनके मम्मी पापा करते थे? मतलब 2% तो आई नो. व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव ड्यूरिंग देयर पेरेंट टीचर मीटिंग्स इन चाइल्डहुड हैड देयर पेरेंट्स कंप्लेन मोर अबाउट देम देन देयर टीचर्स? वन वाज सलमान वन वाज साजिद. I know for sure. Confirm, जिनकी मम्मियाँ almost every week were called to school, college तक. तो साजिद ने इतने साल ले लिए कॉलेज पहुँचने को. मम्मी ने बोला अब दो 8-9 साल कॉलेज में ही रहना. जो कि 7th में 2 बार फेल, 8th में 3 बार फेल, 9th में 2 बार. Yeah, it took very long to reach college. Because not for anything. You wanted to be perfect in every class. तो आप दोनों के पास है 15 सेकेंड. ऑनिमार्क्स गेट सेट रेडी गो. शिल्पा ने लगाया 22% पर और फारा ने लगाया 45% पर. I've given up anyway. I'm getting 20,000 bucks. I'm going home. आए देखें कि शिल्पा जीती या फारा 20,000 पे ही रहती है. Do it again. बोलू आ जाओ in action. इतना लंबा क्यों खींचते हैं? Oh God! You're gonna win this one. It'll come down now suddenly. See, I told you. 50% Farah Khan ki day. Wow. अब आया फारा खान के हत्ते 40,000 रुपए. लेकिन शिल्पा शेट्टी खेलेंगी हमारे साथ सुपर सवार और फारा खान खड़ी उनके साथ वहां पर. अच्छा. फॉर मॉरल सपोर्ट. लेकिन पाजी कम है पहले 40,000 रुपए का चेक. ये लीजिए. अरे वाह. शिल्पा शेट्टी जीत चुकी है नॉकआउट राउंड. अब खेलेंगी हमारे साथ सुपर सवाल. तो लेट्स प्ले सुपर सवाल. तो सुपर सवाल के मैं आपको रूल समझा देता हूं. एक ही सवाल है. ओ. अभी तक आपने 1,00,000 रुपए जीता है. अगर आपका अनुमान सही हुआ तो ये आपकी रकम 10 गुना बढ़ेगी. मतलब कि 1,00,000 रुपए से हो जाएगी 10,00,000 रुपए. और गलत हुआ तो आप 1,00,000 रुपए लेके चले जाएंगे. इस सवाल के लिए खिड़की होगी 10% की. आपका सुपर सवाल यह है कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को खाना बनाना नहीं आता है? What percent of Indian men don't know how to cook? आपको आता है? Course. He cooks very well. Yeah. Course. नहीं, you remember एक बार मैंने बोला सलमान को, वो शूटिंग कर रहे थे घर के पास. मैंने कहा घर पे मैंने चिकन बिरयानी बनाया हुआ है, आके खाइए. तो आए थे, खाए, बोले अच्छा है. लेकिन जिन लोगों को बिरयानी बनानी नहीं आती वो लोग पुलाव बनाते.
पुलाव। चलें आगे बढ़े, एक अनुमान लगाइए आप। ओके। अच्छा तो इंडियन मेन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो फिर तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। Think around 30. What do you think? 30. If you ask me, I've only given wrong answers and won only 40,000 rupees. Sir, so आप सिर्फ moral support के लिए हैं? हम बिल्कुल help ना करें? नहीं, थोड़ा सा safe खेलते हैं। 30% मुझे लग रहा है कि safe है। आपके घर में खाना औरतें बनाती हैं या मर्द? ओ, ज़्यादातर जो है। एक्चुअली सारे मेरे जो कुक्स हैं वो सारे आदमी हैं। इट्स अ पॉइंट। ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में। हाँ, लेकिन आम जिंदगी में अगर देखा जाए तो घर पे तो घर पे उनकी वाइफ लेडीज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। वो भी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल नहीं है, ये कितने पुरुषों को खाना बनाना नहीं आता है। देखो मैं हमेशा गट फीलिंग के साथ जाती हूँ, ये मेरा गट फीलिंग है और हम बहुत बार अपने गट फीलिंग को इग्नोर करते हैं। तोड़ तोड़ दिया मैंने। आओ रोलो दो गोलो, बता दो कि इनका गट फीलिंग कैसा रहा। तो शिल्पा शेट्टी जीत गई है सुपर सवार। पाजे आ जाओ पाजे। ये रहा आपका 10 लाख रुपए का चेक आपके फाउंडेशन के लिए और आपको तो मिल चुके 40,000। देखा व्यूअर्स, इन्होंने यहाँ पे अनुमान लगाया और जीत गई हैं 10 लाख रुपए। तो आज का खेल खत्म, पैसा हजम। एक्चुअली पैसा नॉट हजम, पैसा इज गोइंग टू अ वेरी गुड कॉज। आप मत होना पॉज, तब तक अच्छे अच्छे काम करो और हिंदुस्तान का नाम करो एंड देन देश में है। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने।